सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से डार्क टोस्ट के एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। आज मैं आप लोगों को फियर स्ट्रीट के सेकंड पार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो फियर स्ट्रीट का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फियर स्ट्रीट एक ट्रायलॉजी बेस्ड मूवी है, तो इस पूरी फिल्म के तीन पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें तीनों की कुछ अलग अलग जनरेशन की स्टोरीज के बयां किया गया है। तो यार पहला पार्ट वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ सके और जल्दी आपको तीसरा पार्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि सेम डीना और जोस किसी तरह से बच जाते हैं, बट लास्ट मोमेंट पे सारा फियर सेम को पोसेस्ट कर देती है और वो किसी किलर जोम्बी से कम नहीं लग रही होती है, जो कि डीना पर हमला भी कर देती है। बट किसी तरह से वो उसको बांध करके काबू कर लेते हैं और वो उसे एक कार की डिक्की में बंद कर देते हैं ताकि वो सीवरमन के पास पहुंच सके, उसके जरिए ये जान सके कि वो किस तरह से सेम को बचा सकते हैं, क्योंकि सीवरमन सिर्फ एक इकलौती ऐसी इंसान थी जो उसके श्राप से बची हुई थी। तो यार जब हमें सीवरमन के हाउस का सीन दिखाया जाता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि सीवरमन एक न्यूज देख रही होती है और अचानक से जब एक अलार्म बजता है तो वो उसे बंद कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑलरेडी उसके पास काफी सारी वॉचेस होती है, जिस पर उसने अलग अलग टाइम पर अलग अलग अलार्म सेट किए होते हैं, खाने से लेकर के सोने और उठने तक का। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सीवरमन बहुत ही ज्यादा डर डर करके अपनी जिंदगी को किसी से छुपकर बिता रही है। तो जब डीना और जो सेम को लेकर के सीवरमन के घर पर पहुंच, तो पहली मुलाकात में सीवरमन उसकी हालत देख करके साफ इनकार कर देती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। बट डीना के काफी कन्विंस करने पर वो मान जाती है और अंदर जाकर के वो उसे बताती है कि ये 1978 की बात थी जब ये सारी घटना उसके साथ हुई थी। वो अपनी छोटी बहन जिगी वर्मन के साथ समर कैंप में होती है और ठीक एक हफ्ते बाद ही उसकी बहन की डेथ हो जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में 1978 के समर कैंप की तरफ चली जाती है, जहां पर जिगी किसी से बचकर उस जंगल में भाग रही होती है और अचानक से उसका एक टीममेट उसे पकड़ लेता है और वो उसे उसी पेड़ पर बांध देते हैं जहां पर सारा फियर को फांसी दी गई थी। जिगी काफी ज्यादा गुस्से वाली लड़की होती है और वो बिल्कुल भी शीला की इज्जत नहीं करती है, इसलिए शीला उससे जलती है और वह अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं ताकि उसे कैंप से बाहर निकलवा सके, और साथ ही साथ उसे उस पेड़ पर बांधकर अपने एक लाइटर से उसे जलाने की कोशिश भी करती है। बट वहां पर कैंप काउंसलर निक गुड, जो कि आगे चलकर सनीवेल का मेयर बनता है, और साथ ही साथ उस टीम का लीडर कट भी वहां पर पहुंच जाता है और वह उन्हें रोक लेते हैं। शीला जानबूझ करके जिगी को भड़काने की कोशिश करती है ताकि वो गलती करे और उसे उस कैंप से बाहर निकाल दिया जाए, बट यहां पर निक के कहने पर कट उसे एक चांस और दे देते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात सीवरमन से होती है। सीवरमन जो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ टॉयलेट में लगी काय को साफ करने की कोशिश कर रही होती है, और इसके साथ दो और लोग होते हैं जिनका नाम अलाइस और अर्निस होता है, जिन्हें भी टॉयलेट साफ करना होता है बट वह कुछ और ही कर रहे होते हैं। और जब सीवरमन उनके पास पहुंचती है तो ये दोनों नशेड़ी माल फूंकने लगते हैं। अलाइस यहाँ पर उससे थोड़ा किलसती है क्योंकि सीवरमन किसी क्लास की मॉनिटर की तरह उसकी हर बात की शिकायत अपने सीनियर से कर देती है। इसके बाद जिगी नर्स लेन के पास जाती है ताकि वह अपने जले हाथ का ट्रीटमेंट करा सके। नर्स लेन और जिगी की आपस में काफी ज्यादा जमती भी है और साथ ही साथ वो एक दूसरे को काफी ज्यादा समझती भी है, पर क्योंकि वहां पर नर्स लेन नहीं होती है इसलिए उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जिस पर कुछ टोटके लिखे होते हैं। साथ ही उनकी बेटी रूबी की फोटो होती है जिस पर वह रिसर्च कर रही होती है। रूबी लेन सराफियर के द्वारा शापित हो जाती है और वह अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों को मारने के बाद अपनी खुद की भी जान ले लेती है अपने हाथ की नस काटकर, और नर्स लेन ये साबित करना चाहती है कि उनकी बेटी रूबी पागल नहीं थी बल्कि इसके पीछे सराफियर का श्राप होता है। इसके बाद नर्स लेन वहां पर पहुंच जाती है और जिगी के जले हुए हाथ पर एंटीसेप्टिक लगाते हुए उसे बताती है कि रूबी एक सिंगर बनना चाहती थी और उसकी आवाज काफी ज्यादा सुरीली होती है। जिगी समझ जाती है कि वह अपनी बेटी रूबी की मौत को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, और दूसरी तरफ सीवरमन यहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों के बीच में बहस होती है इस बात को लेकर कि जिगी दोबारा कोई गलती ना करे, क्योंकि अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो उसके साथ साथ उसे भी उस कैंप से निकाल दिया जाएगा। सीवरमन और टॉमी कैंटीन साफ कर रहे होते हैं और यहां पर सीवरमन अपनी बहन जिगी पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और यह बात वह अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से भी शेयर करती है। इसके बाद जब वह कुछ सामान लेकर वापस लौटती तो वह देखती है कि नर्स लेन वहां पर खड़ी हुई होती है जिनके हाथ में चाकू होता है, और जिसे देखकर के सीवरमन डर जाती है। इसके बाद नर्स लेन टॉमी पर हमला कर देती है यह कहकर कि तुम वैसे भी आज मर जाओगे और इससे पहले कि तुम किसी और को मारो मैं तुम्हें मार देती हूँ। अचानक से हुए इस हमले की वजह से टॉमी को भी कुछ समझ नहीं आता है और वो सेल्फ डिफेंस में नर्स लेन को धक्का दे देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और नर्स लेन को हॉस्पिटल लेके जाती है, बट यहाँ पर सीवरमन नर्स लेन के द्वारा कही हुई टॉमी के मर जाने वाली बात को जानकर काफी परेशान होती है और उसे लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई बात है, क्योंकि टॉमी भी हादसे के बाद काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसे चक्कर आने लगे थे। जिसके बाद ये दोनों नर्स लेन के ऑफिस जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि वह पता लगा सके, और यहाँ पर टॉमी को एक बुक मिलती है जिसमें सारा फियर के बारे में लिखा होता है कि किस तरह से वह अपनी मौत से बचने के लिए अपने हाथ को काटकर जमीन में दफना देती है और उस वजह से उस पूरे सिटी साइड के इलाके को श्रापित कर देती है। इसके बाद यहाँ पर अलाइस और अर्नी भी आ जाते हैं। जब अलाइस उस बुक को पढ़ती है तो उसे एक मैप मिलता है जिसमें सराफियर का नाम होता है और दो तीन क्रॉस भी होते हैं। इसी के साथ उस बुक में शाप खत्म करने के लिए उसके हाथ को उसके शरीर से मिलाने की बात कही गई होती है, जिसके बाद ये चारों और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब अलाइस उन क्रॉस वाले निशान पर उन एक्स वाले निशान पर पहुंचती है तो वो देखती है कि नर्स लेन ने उन जगहों पर खोद रखा होता है, जिसके बाद वे समझ जाते हैं कि नर्स लेन सराफियर का हाथ ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उस शाप को खत्म कर सके। दूसरी तरफ जिगी अपने रूम में होती है और कलर तैयार कर रही होती है और वहां पर निक भी पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर शीला को सबक सिखाने की प्लान बनाते हैं।
दूसरी तरफ अर्नी को एक गुफा मिल जाती है जिसमें सभी एक एक करके अंदर चले जाते हैं और उस कमरे में सभी काले जादू से रिलेटेड सामान रखा हुआ होता है। उसके बाद उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है जिस रास्ते से जब वो और अंदर जाते हैं तो उन्हें उस जमीन पर एक बहुत ही बड़ा सिंबल दिखाई देता है जिस पर बैठ करके वो काला जादू किया जाता है। इसके बाद अलाइस की नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर उन सभी के नाम होते हैं जो पागल हो जाते हैं या फिर शापित हो जाते हैं, जिसमें रूबी का नाम भी होता है। अलाइस सीबरमन को भी ये दिखाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर टॉमी का नाम भी होता है। जिसके बाद अलाइस कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी शापित हो गया है, और इससे पहले कि वो किसी और की जान लेता नर्सलेन उसे मार देना चाहती थी ताकि वो किसी और की जान ना ले पाए, क्योंकि उसका मरना तो पहले ही तय है, पर क्योंकि वो अभी तक जिंदा है इसलिए अब वो और दूसरों की जान लेगा। दूसरी तरफ अर्नी बाहर जाता है और वो टॉमी का अजीब बिहेवियर देख करके थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है कि इतने में टॉमी पूरी तरह से शापित हो चुका होता है और अपनी कुल्हाड़ी उठा करके अर्नी की जान ले लेता है। यहाँ पर सीबरमन और अलाइस वो सीन देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और बाहर निकलने की बजाय वो उस गुफा में और अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ सनीवेल और सेडी साइड के बीच में कलर वॉर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है जिसके लिए ये दोनों टीम अलग अलग जगह पर छिप जाती है। इसके बाद निक और जिक्की ने जो प्लान बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग निक एक छोटा सा नोट भेजता है सीला के लिए जिसमें लिखा होता है कि वह उससे टॉयलेट में आकर मिले ताकि यहाँ पर निक और जिक्की सीला को सबक सिखा सके। इसके बाद जैसे ही सीला उस टॉयलेट के अंदर पहुंचती है तो वह दोनों उसके ऊपर काफी सारे कॉकरोच छोड़ देते हैं और उसके बाद वहां से बाहर निकल के उस टॉयलेट को लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों भाग करके एक रूम में जाते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को किस भी करते हैं, क्योंकि जिगी को पता होता है कि निक उसे पसंद करता है और साथ ही साथ उसे प्यार भी करता है। दूसरी तरफ टॉमी भी कैंप की तरफ पहुंच जाता है और चश्मे वाले एक बच्चे को वहां पर मार देता है जिसकी चीख सुन करके वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और जल्दी से सभी कैंप के लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है और उन्हें एक कैंटीन में इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरी तरफ निक अपने एक फ्रेंड के साथ बाकी के लोगों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाता है। जिगी को याद आता है कि सीला अभी भी उस टॉयलेट में बंद है, जिसके बाद वह उसे छुड़ाने के लिए वहां जाती है और यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सीबरमन को पता चलता है कि वो जो काले जादू का एक बड़ा सा सिंबल है वो सिर्फ एक सिंबल नहीं है बल्कि इस पूरी की पूरी गुफा का मैप होता है, जिसे फॉलो करके वो एक अजीब जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई गंदी सी चीज होती है जिसे अलाइस छू लेती है और उसे छूने से उसे वो सभी मरे हुए और शापित लोग दिखाई देने लगते हैं। उन्हें देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो इधर उधर भागने लगती है और इस कारण से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। सीबरमन अलाइस को शांत करने के लिए उससे बातचीत करने लगती है और साथ ही साथ उसके फ्रैक्चर हुए पैर को फर्स्ट एड करती है ताकि वो चल फिर पाए। और यहाँ पर सीबरमन को काई दिखाई देती है जो उसने टॉयलेट साफ करते हुए देखी थी, जिसके बाद ये दोनों उसे फॉलो करने लगते हैं और उस टॉयलेट के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर सीला को बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ जिगी भी वहां पहुंचती है ताकि सीला को बचा सके और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर निक का फ्रेंड वहां पहुंच जाता है और उनकी हेल्प करता है। सीबरमन उन दोनों के बीच के हुए झगड़े की आवाज सुन लेती है, जिसके बाद वह ऊपर आवाज लगाती है जिगी को और यहाँ पर जिगी सुन भी लेती है, जिसके बाद जिगी निक के फ्रेंड के साथ मिलकर के एक नीचे बाल्टी फेंकती है ताकि उसकी सहायता से वह उन दोनों को बाहर निकाल सके। पर टॉमी वहां पर पहुंच जाता है और निक के फ्रेंड की गर्दन उड़ा देता है। इसके साथ निक के फ्रेंड का धड़ भी नीचे आकर के गिर जाता है और वहां पर जिगी अपनी जान बचा करके बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे निक मिलता है जो उसे लेकर के एक रूम में जाकर छुप जाता है ताकि उसकी जान बचा सके। वह उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हारी जान बचाऊंगा और तुम्हें किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दूंगा। बट इतने में यहां पर टॉमी पहुंच जाता है और जिगी को ढूंढ लेता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला भी करता है, बट यहां पर निक उसे बचा लेता है और वह कुल्हाड़ी उसके पैर में जाकर लग जाती है। यहाँ पर निक जिगी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि ये तुम्हारे पीछे आए, क्योंकि उन शापित लोगों का मकसद सेडी साइड के लोगों को मारना है ना कि सनीवेल के, और निक सनीवेल का होता है, इसलिए वह निक को उसके हाल पर वहीं छोड़ करके जिगी के पीछे निकल पड़ता है। जिगी जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सभी बचे हुए जो लोग थे वो बस में बैठ करके वापस जा चुके हैं। दूसरी तरफ सीबरमन और अलाइस जब मैप चेक करते हैं तो उन्हें एक दूसरा रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद अलाइस सीबरमन को जाने के लिए कहती है ताकि वह जिगी को बचा सके, क्योंकि अलाइस खुद घायल है इसलिए वह तेज नहीं चल सकती। इसके बाद सीबरमन वहां से चली जाती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है जो सीधे कैंटीन से निकलता है। दूसरी तरफ अलाइस जिस पत्थर के पास बैठी हुई होती है, जब उसके नीचे की काई को हटाती है तो उसे सराफियर का कटा हुआ हाथ मिल जाता है। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जिगी भी उसे कैंटीन में जाकर छिप जाती है ताकि वह अपनी जान बचा सके, और टॉमी वहां भी पहुंच जाता है और जिगी को मारने की कोशिश करता है और हाथापाई में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है और जिगी एक बोरी से उसका मुंह ढकने की कोशिश करती है ताकि वो कुछ देख ना पाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीबरमन काफी स्ट्रगल के बाद उस जाली को हटाने में कामयाब हो जाती है और टॉमी को चाकू से मारकर अपनी बहन को बचा लेती है। इसके बाद इन दोनों बहनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं। दूसरी तरफ अलाइस भी रेंगते हुए वहां पहुंच जाती है और वह बताती है कि नर्सलेन जिस चीज को अभी तक ढूंढ रही थी असल में वो चीज उसे अब मिल गई है। वो बताती है कि उसे सराफियर का वो कटा हुआ हाथ मिल गया है और अब उस बुक के हिसाब से जैसे ही ये कटा हुआ हाथ उसके धड़ से मिलेगा ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। जिगी जैसे ही उस हाथ को छूती है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिसकी कुछ बूंदें उसके सराफियर के हाथ पर गिर जाती है और जिगी को सराफियर का विजन दिखाई देता है।
जिसे देख करके वह काफी ज्यादा डर भी जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस गुफा में मौजूद उस गंदी सी चीज से मरे हुए लोग वापस से जिंदा होते हैं ताकि जिगी को मार सके, क्योंकि उसने अब सराफियर का विजन देख लिया है। इसके बाद ये तीनों प्लान बनाते हैं इस शाप को खत्म करने का, पर टॉमी जिंदा होता है और अलाइस को मार देता है। सी बर्मन फिर एक बार उस पर हमला करती है और उसे कुछ देर के लिए छुटकारा पा लेती है। अब जिस रास्ते से अलाइस और सीबरमन कैंटीन तक पहुंचते हैं, ठीक उसी रास्ते से रूबी और बाकी के मरे हुए लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे देख करके ये दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं जहां पर सराफियर को फांसी दी गई थी, ताकि वे उसके नीचे खोद करके उसकी डेड बॉडी को पता लगा सके और उसकी डेड बॉडी से उसका हाथ मिला करके इस श्राप को खत्म किया जा सके। पर यहां पर वो चारों श्रापित लोग उन दोनों को घेर लेते हैं चारों तरफ से और धीरे धीरे लगातार उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहां पर सीबरमन जल्दी जल्दी से खोती है ताकि उसे उसकी डेड बॉडी मिल सके, बट वहां पर उसे एक पत्थर मिलता है जिस पर यह लिखा होता है कि डायन कभी नहीं मरती है। जिसके बाद सीबरमन समझ जाती है कि ये सारे शापित लोग जिगी को मारने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उसका खून उसके हाथ पर गिर जाता है। इसके बाद वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है बट कामयाब नहीं हो पाती है और ना ही अपनी बहन को बचा पाती है। वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और उन दोनों पर हमला करके उनको मार देते हैं। और कुछ ही समय बाद वहां पर निक पहुंच जाता है और जिगी को बचाने के लिए उसे CPR देने लगता है। उसकी लगातार की जाने वाली कोशिशों की वजह से यहां पर जिगी बच जाती है और उसकी सांसों में सांस आ जाती है, क्योंकि जिगी उसे काफी ज्यादा प्यार करता था और वह उसे खोना नहीं चाहता था। तो यार अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर जिगी बर्मन बच जाती है तो हमें जो कहानी सुना रही है सी बर्मन ये कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि उस दौरान जब वेरिफिकेशन होती है तो उसमें निक जिगी का नाम जिगी ना रखवा करके उसका नाम क्रिश्चियन बर्मन लिखवा देता है, जो आगे चल के शॉर्ट में सी बर्मन के नाम से जानी गई है। और दूसरी चीज ये कि जो उसकी बहन सी बर्मन थी जो मर गई है, असल में उसका पूरा नाम सिंडी बर्मन होता है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद डीना और जोस बताते हैं कि उन्हें एक कब्र मिली है जिसमें किसी और की नहीं बल्कि सराफियर का कंकाल रखा हुआ है। जिसके बाद डीना उससे कहते हैं कि अब हमारे पास ऑलरेडी सराफियर का कंकाल यानी कि उसका शरीर है, तो बस अब हमें उस हाथ को ढूंढना है और उसके शरीर से मिलाना है ताकि हम इस शाप को खत्म कर सकें। तो यहाँ पर डीना के पूछने पर सीबरमन उर्फ जिगी बताती है कि वो हाथ अभी भी उसी पेड़ के नीचे है और उस पेड़ को काटा नहीं गया है, वो पेड़ अभी भी टेडी साइड मॉल के बीचों बीच है। जिसके बाद डीना और जोस वहां पर जाते हैं और उस पेड़ के नीचे खोद करके उस हाथ को निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ सीबरमन निक को कॉल करके सारी बातें बता देती है जो अब शेरिफ बन चुका है। दूसरी तरफ डीना भी उस हाथ को लेकर के सराफियर की कब्र वाली जगह पर पहुंचती है और उस हाथ को सराफियर के कंकाल से मिला देती है ताकि ये शराब खत्म हो सके। डीना के ऐसा करने पर तुरंत ही उसे सराफियर का विजन दिखाई देने लगता है और वो उसकी लाइफ यानी कि 1666 में पहुंच जाती है, जहां पर वो पानी की परछाई में खुद को एज अ सराफियर पाती है। यहां पर फियर स्ट्रीट पार्ट 2 का एंड हो जाता है, जिसमें हमें 1978 की कहानी के बारे में पता चला किस तरह से ये सारी भसड़ हो रही थी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें हमें 1666 की कहानी के बारे में पता चलेगा, जहां पर हम सराफियर की लाइफ के बारे में जानेंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि असल में सराफियर डायन होती है या फिर इस सब के पीछे किसी और का ही बवाल होता है। तो यार फियर स्ट्रीट पार्ट 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं डॉक्टर्स के एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।